मेरा नाम फरबाज खान है, मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा आप लोगों का एक बार फिर गुरु भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसका नाम है मोल कंसेप्ट। अब ये जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यूं कहो तो फिजिकल केमिस्ट्री की नींव ही यही टॉपिक रखता है। अगर ये टॉपिक ठीक से समझ में ना आए तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत रहती है, और अगर ये टॉपिक ठीक से समझ में आ जाए तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आसान हो जाती है। आज मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और इस टॉपिक को मैं आपके लिए इतना आसान बना दूंगा कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बड़े आसानी से आपसे सवाल हो जाएंगे। पर मेरी एक शर्त है, शर्त ये है कि इस पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना और पेन कॉपी लेकर बैठना। जो कुछ भी मैं बताऊंगा उन चीज़ों को लिखते हुए जाना, जो न्यूमेरिकल मैं कराऊं उन न्यूमेरिकल्स को लिख लेना, और ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद मेरे दोस्तों मैं वादा करता हूं कि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए एक वेपन बन जाएगा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल आएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा उन्हें सॉल्व करने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग मोल कंसेप्ट से। तो मोल कंसेप्ट, अब इसके अंदर ये जो मोल है, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये मोल क्या है तो मैं कहूँगा मोल एक नंबर है, बस एक नंबर है और कुछ भी नहीं। जैसे कि डजन, डजन क्या होता है? एक नंबर ही तो होता है। डजन का मतलब होता है बस 12। अगर कोई बोले कि 2 डजन केले दे दो तो हम लोग क्या समझेंगे? कि 24 केले मांग रहा है। अगर कोई बोले कि सचिन ने आज डबल सेंचुरी मार दी है तो हम लोग क्या सोचेंगे? सचिन ने कितने रन मार दिए? 200 रन मार दिए। हाफ सेंचुरी मार दिया तो कितने रन मार दिए? 50 रन मार दिए। तो सेंचुरी क्या है? बस एक नंबर है, नंबर को रिप्रेजेंट ही तो कर रहा है। जैसे डजन है, डजन क्या है? एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही मोल क्या है? मोल भी एक नंबर है। जैसे कि डजन की वैल्यू 12 होती है, सेंचुरी की वैल्यू 100 होती है, ऐसे ही मोल की वैल्यू होती है 6.023 × 10³। कई लोग इसे 6.022 भी लिखते हैं, मैं लेकिन हमेशा 3 लिखता हूँ, 2, 3, तो यहाँ से हमें रिमेम्बर करने में आसानी रहती है। इधर भी 2, 3 और इधर भी 2, 3। तो मोल क्या है? एक नंबर है, और जिस नंबर की वैल्यू क्या है? इतनी है। अब देखिए, जो एटम्स होते हैं उसके नंबर इतने ज़्यादा होते हैं कि उसे मेज़र करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए जो क्वांटिटी रखी जाएगी वो भी क्या होगी? बहुत बड़ी क्वांटिटी रखी जाएगी। तो हमने क्या किया है कि एक बहुत बड़ा नंबर लिया है जिसको हम बोलेंगे 6.023 × 10³। इतना बड़ा नंबर लिया। अब यही नंबर क्यों लिया है? कोई और बड़ा नंबर क्यों नहीं लिया? इसे मैं आगे आपको समझाऊंगा, पहले एक बार थोड़ा सा मोल को डिफाइन कर लें। अब देखिए, मोल की डेफिनेशन आई कहाँ से? मोल की डेफिनेशन ऐसे आई कि एक स्पेक्ट्रोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वहाँ उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोगों ने मेज़र किया कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप है कार्बन का, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसे हमने एक मोल कह दिया। तो मोल को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एंटिटीज। अब नंबर ऑफ एंटिटीज जो है ये कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, केले भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप।
यानी कि नंबर ऑफ एंटिटीज जो कि किसके इक्वल हों, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप के एटम्स के इक्वल हो, तो उसे हम लोग ने क्या बोल दिया, मोल बोल दिया। तो मोल की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इतना ज़्यादा ये जो वर्ड है ये प्रचलित है, ये जो नंबर है इतना प्रचलित है, तो इसके लिए एक हमने सिंबल भी दे दिया और सिंबल बनाया हमने Na, और इसका एक नाम भी रख दिया जो है एवोगैड्रो नंबर। तो अगर कोई आपसे मोल बोले, Na बोले, एवोगैड्रो नंबर बोले, तो आपके दिमाग में बस एक ही नंबर आना चाहिए, वो है 6.023 × 10²³। तो अब तक हमने समझा कि जो मोल है वो और कुछ नहीं, एक नंबर है, हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, हमें बस ये याद रखना है कि मोल इज इक्वल टू दिस नंबर। आजकल के ज़माने में मोल को ग्राम एटम भी कह देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं, ग्राम आयंस भी कह देते हैं, या ग्राम कुछ भी कह देते हैं। तो नाउडेज मोल इज रेफर्ड एज ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स या ग्राम, इससे रिलेटेड मैं आपको एक सवाल भी करवाऊंगा, या ग्राम कुछ भी। जब कभी भी आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और जो भी आप न्यूमेरिकल देखेंगे अगर उसके अंदर लिखा हो ग्राम एटम्स, तो एक काम कर रहा हूँ, उस ग्राम एटम को काट के मोल लिख देना और सारी की सारी कैलकुलेशन मोल के हिसाब से करना और लास्ट में जाके फिर से ग्राम एटम लिख देना, आपका आंसर सही होगा। तो आजकल हम मोल को ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम कुछ भी कह देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास को जानने से पहले हम लोग एक एटम के मास को देखते हैं कि एक एटम का मास कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। अब एक एटम कैसा होता है, जैसे एक फुटबॉल का मैदान है और ये पूरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और ये जो बीच में है ये क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो ये एक बॉल की तरह है और ये एक पूरा ग्राउंड है फुटबॉल का जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, तो सेंटर में लोकेटेड है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब हम लोग देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10²⁻²⁷ kg, या फिर अगर ग्राम में लिखें तो 1.6 × 10²⁻²⁴ g। ये वैल्यू रहती है और ये जो है मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के 1837 होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे 1837 टाइम्स छोटा होता है, यानी कि लगभग 2000 गुना छोटा होता है, जैसे कि हाथी के सामने चींटी। तो जब हम मास ऑफ एटम निकालेंगे तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देंगे। आप देखो, हमें मास ऑफ एटम निकालना है, कैसे निकालोगे, मान लो कि एक मार्कर्स हैं, चार मार्कर हैं आपके सामने और आपको ये चारों मार्कर का मास निकालना है, ये कैसे एक रबड़ से बंधे हुए हैं और आपको पूरा ये बंडल का मास निकालना है, आपके पास एक मार्कर का मास है तो आप क्या करोगे, सिंपल है, एक मार्कर के मास से चार को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ एटम का मास निकालते हैं, हम लोगों को इसका और इसका मास पता है, लगभग बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गिन लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को। मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, दोनों को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम हो या फिर इन दोनों में से कोई एक हो उसे हम न्यूक्लियॉन कह देंगे। तो मैं यहाँ लेता हूँ कि मेरे को मास ऑफ एटम ढूंढना है, तो मास ऑफ एटम ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, और कलेक्टिवली बोलूं तो न्यूक्लियॉन बोल देता हूं, मास ऑफ न्यूक्लियॉन जो कि कितना है 1.6 × 10²⁻²⁷, ठीक है। तो मान लो कि एक लाइव एग्जांपल से समझ लेते हैं,
अगर मुझे नाइट्रोजन का मास निकालना है, ठीक है, तो मैं इसका मास कैसे निकालूंगा? सिंपली यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 14 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन क्या है? मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 24 ग्राम। 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 24 ग्राम, ये मेरे एक एटम का मास आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है। ग्राम एटॉमिक मास है एक मोल एटम्स का मास। एक मोल एटम्स का मास निकालोगे तो हम उसे क्या बोल देंगे? ग्राम एटॉमिक मास बोल देंगे। एक मोल एटम का मास निकालोगे तो हमने देखा था कि एक मोल का मतलब क्या है, 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23। तो एक मोल का मतलब इतना है, तो फिर मैं यहां क्या करूंगा इसका मास निकालने के लिए? एक एटम का मास इंटू कितना, 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23। इतने ग्राम एक मोल एटम्स का मास आएगा। ये नाइट्रोजन का मैंने निकाला, तो एक मोल नाइट्रोजन के एटम का इतने ग्राम मास आया। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि यही बड़ा नंबर क्यों लिया। अब आपका ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर होगा, क्योंकि जब आप इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप अभी मल्टीप्लाई करके देखिए तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे 1 आ रही है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े अप्रॉक्सीमेट फिगर लिए हैं, अगर एक्चुअल फिगर लेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू बिल्कुल 1 ही आएगी। और जब इसकी वैल्यू 1 आएगी तो मैं यहाँ लिख दूंगा सीधे सीधे 14 ग्राम। तो ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ये और कुछ नहीं, यहाँ आपने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन लिखे और इसे ग्राम में लिख दोगे तो फिर आपका ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? एक मोल एटम्स का मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो अब मैं किसी भी एटम का ले लूँ, मान लो मैंने ऑक्सीजन का ले लिया, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? सिंपल मैं निकाल दूंगा, एक मोल ऑक्सीजन का मास सीधे सीधे निकलेगा कितना होगा, यहाँ 16 है और ये 16 ग्राम आ जाएगा। सिंपल है। तो मैंने ग्राम एटॉमिक मास निकालना सीखा। ग्राम एटॉमिक मास में मुझे पता चला कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को मैं गिन लेता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देता हूँ और उसके आगे ग्राम निकाल देता हूँ, लगा देता हूँ, तो फिर मेरे को एक मोल एटम्स का मास पता चल जाता है। ये है ग्राम एटॉमिक मास। अब इसी चीज़ को अगर मैं बोल दूँ, एक मोल एटम की बात की तो मैंने बोला ग्राम एटॉमिक मास है, और अगर मैं इस चीज़ को एक मोल मॉलिक्यूल के लिए बोल दूँ तो मैं बोलूँगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो ग्राम एटॉमिक मास है एक मोल एटम के लिए और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है एक मोल। तो एक मोल एटम के लिए जो मास है उसे हम बोल रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल मॉलिक्यूल के लिए जो है उसे हम बोल रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकालने का भी सेम यही तरीका है। तो जैसे हमें H2O का निकालना है, क्वेश्चन है हमारे पास H2O का हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, या फिर कहो तो एक मोल H2O का हमें मास निकालना है कितना होगा, तो सीधा सा सिंपल सा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऐड कर लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे इस पे, 2 + 16 और आगे ग्राम लगा देंगे, तो एक मोल H2O का मास होगा 18 ग्राम। सिंपल है। अब हम लोग सीखेंगे मास और नंबर रिलेशनशिप। तो मास और नंबर रिलेशनशिप में हम मोल्स को ऐसे निकालते हैं, एन इज इक्वल टू जो भी हमें गिवन मास है डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब मोलर मास और कुछ नहीं, ग्राम एटॉमिक मास को ही हम लोग मोलर मास कह देते हैं। जो एनसीईआरटी के पीछे हमें जितने भी मोलर मास दे रखे हैं वो और कुछ नहीं, सीधे ग्राम एटॉमिक मास है, यानी कि एक मोल एटम्स का या एक मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास है वही मोलर मास है आपका। ठीक है, तो यहाँ ये वाला रिलेशन कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको बोला था कि मैं आपको कोई भी फार्मूला रटने के लिए नहीं बोलूँगा, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको ये फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। 6 मोल्स ऑफ H2SO4 में कितना मास होगा, हमें निकालना है 6 मोल्स ऑफ H2SO4 का मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो हमारा आता
एन इंटू मोलर मास इज इक्वल टू जो भी इसका वेट है, करेक्ट। अब हमें निकालना है, हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता, सीधी सी बात, लेकिन हमें पता है कि एक मोल H2SO4 का कितना होगा, एक मोल का कितना होगा, देखो 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 16 इंटू 4 कितना हो गया 98 ग्राम। तो एक मोल H2SO4 कितने ग्राम होते हैं 98 ग्राम होते हैं। तो 6 मोल कितने के बराबर हो गए, तो 6 मोल H2SO4 होगा 98 × 6 ग्राम। सिंपल है, तो हमने निकाल लिया बिना किसी फॉर्मूला को याद किए। अब हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी और भी अच्छी ग्रिप हो पाए इस चैप्टर पे। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 192 ग्राम ऑफ S8। अब S8 के अंदर ग्राम है और सल्फर का हमें पता है कि कितना है 32 है। तो देखिए अगर ये अकेला सल्फर होता तो कितना होता, एक मोल सल्फर के अंदर कितने होंगे 32 ग्राम, करेक्ट। अब यहाँ मॉलिक्यूल है तो हम लोग इसको पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक मोल S8 में कितने होंगे 32 इंटू कितना 8 ग्राम, ये हो गया 256 ग्राम। तो एक मोल S8 में होते हैं 256 ग्राम, ठीक है। अब इतने ग्राम किस में है, एक मोल में है, तो एक ग्राम ठीक है S8 कितने मोल में होगा 1/256, ठीक है इतने मोल होंगे। अब हमने बोला कि हमारे गिवन क्वांटिटी क्या है 192 ग्राम S8 किस में होगा 1/256 इंटू 192 मोल, इसकी वैल्यू होगी 0.75 मोल। यानी कि हमारी गिवन क्वांटिटी क्या है कि इतने मोल हमें दे रखे हैं। अब देखिए हमें पता है कि एक मोल में क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10^23 या बोलें कि Na होते हैं, ठीक है। तो 0.75 मोल के अंदर कितने होंगे 0.75 में होंगे 0.75 Na, सिंपल। तो हमने निकाला कि अगर हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ग्राम में कितने हैं, तो वो हमारा आंसर आया है 0.75 Na या 0.75 इंटू 6.023 इंटू 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 93 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालेंगे हम। देखो फॉस्फोरस का कितना होता है 31 होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस के अंदर कितने ग्राम होंगे, कितने ग्राम होंगे 31 ग्राम होंगे। हम लोगों ने देखा था ना ग्राम एटॉमिक मास निकालने में, तो कितना होगा 31 ग्राम। तो एक मोल फॉस्फोरस के अंदर 31 ग्राम है, हमें गिवन कितना है 93 ग्राम है। तो एक ग्राम फॉस्फोरस के अंदर कितने मोल होंगे 1/31 मोल, करेक्ट। सीधे सीधा राशन वाला मेथड है, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसे, कि इतने में इतना है तो कितने में कितना होगा। तो एक ग्राम फॉस्फोरस के अंदर कितना होगा 1/37, तो 93 ग्राम फॉस्फोरस के अंदर कितना होगा 93/31 मोल। तो कितना आंसर आया 3 मोल्स। तो हमारा ये वाला सवाल हो गया, हमें पता था कि 93 ग्राम ऑफ हमें फॉस्फोरस दे रखा था और हमें निकालने थे कि इसमें कितने मोल है। अब यही सवाल के अंदर अगर ये पूछ लेता कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लेते यहाँ 3 × Na करके। Na क्या है 3 × 6.023 × 10^23 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि हमें निकालने हैं ग्राम एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। देखिए अगर कोई और होगा तो इस टाइम पे कंफ्यूज हो जाएगा,
आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने जैसे ही ग्राम एटम देखा तो आपको याद आया कि आजकल की दुनिया में ग्राम एटम मोल को ही कहते हैं। आप यहाँ इसे काटोगे और इधर लिख दोगे मोल, तो अब आपको पता चल गया ये क्या पूछ रहा है, मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। अब बहुत आसान है, अब हमें निकालना है मोल्स। तो हमने देखा कि एक मोल के अंदर कितने ग्राम सोडियम होता है, सोडियम का होता है 23, तो 23 ग्राम 23 ग्राम सोडियम होता है, ठीक है। एक ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे, 1/23 मोल्स, और 46 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 46/23 मोल्स, दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स। तो हमारे पास गिवन है कि 2 मोल्स है। अब ये 2 मोल्स हमारा आंसर आ गया। यहाँ दोबारा से हम लोग 2 ग्राम एटम्स भी लिख सकते हैं, यह हमारा आंसर आ गया। अब हमारा एक और सवाल है, इसमें दे रखा है कि नाइट्रोजन हमें दे रखा है 5 मोल अमोनिया के प्रोसेस में, और हमें निकालना है कि कितने मोल्स हमारे NH3 बनेंगे और कितना उसका वेट होगा, कितने नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल बनेंगे और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बनेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा था वो वापस से रिवाइज होगा इसके बीच में। देखिए एक सिंपल सी चीज है कि एक मोल नाइट्रोजन कितने अमोनिया बनाएगा, 2 अमोनिया बनाएगा, और 5 मोल नाइट्रोजन कितने अमोनिया बनाएगा, सिमिलरली 10 अमोनिया बनाएगा। तो हमारे ये जो अमोनिया बनेगा ये कितने मोल बनेगा, 10 मोल्स बनेगा, करेक्ट है। देखो एक बनाता है 2, तो 5 बनाएंगे 10, तो 10 मोल अमोनिया बना। अब हमें क्या निकालना है, इस अमोनिया का वेट निकालना है। तो अमोनिया का वेट निकालना बिल्कुल सिंपल है। अमोनिया का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का रहता है 14, 3 और आगे लगा देंगे ग्राम, तो एक मोल अमोनिया का वेट होता है 17 ग्राम, करेक्ट। तो हमारे गिवन कितने हैं, 10 मोल्स हैं, तो 10 मोल अमोनिया का रहेगा, 10 मोल्स अमोनिया का रहेगा, 17 × 10 यानी कि 170 ग्राम हमारा आंसर आएगा, 170 ग्राम। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है ये, तो सिंपल है NH3 मॉलिक्यूल बिल्कुल निकालना। हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितना होता है, हम लोग कितनी देर से कर रहे हैं, हमें पता है कि 6.023 × 10²³ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो 10 मोल में कितने होंगे, 10 मोल में इंटू 10 हो जाएगा, 10 मोल्स में होंगे Na × 10, या फिर 6.023 × 10²² भी लिख सकते हैं, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे NH3 के। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। देखो एक अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो हमारे पास कितने अमोनिया है, हमारे पास Na × 10 अमोनिया है, तो इनके अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे, जितने भी अमोनिया है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 3Na × 10 यानी कि 30Na आंसर, सिंपल है। देखो हमारा अगला सवाल है कि हमें दे रखा है कि हाइड्रोजन 20 ग्राम हमें दे रखी है और हमें बताना है कि कितने मोल्स ऑफ हमारे H2O बनेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात है, जब कभी भी हमें ऐसे मास दे रखा हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे जो हाइड्रोजन का एक मोल होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं, एक मोल हाइड्रोजन में कितने ग्राम होते हैं, 2 ग्राम होते हैं, 2 और ग्राम। अब 20 मोल 20 ग्राम के अंदर कितना होगा, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने मोल होंगे, 1/2, तो 20 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने मोल होंगे, 20/2 मोल्स यानी कि 10 मोल्स। तो हमारी गिवन क्वांटिटी क्या है, 10 मोल्स है, तो यहां मैं लिख देता हूं 10 मोल्स। अब हमें 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है। अब देखो 2 हाइड्रोजन बनाते थे 2 वाटर, 2 हाइड्रोजन 2 वाटर बनाते थे, मोल क्या है, मोल भी तो एक नंबर है, तो एक मोल कितना बनाएगा, एक मोल वाटर बनाएगा, 10 मोल कितने बनाएंगे, 10 मोल बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो हमारा ये जो वाटर है ये कितने मोल्स बनेंगे,
10 मोल्स बनेंगे तो इसका हमारा आंसर होगा 10 मोल्स। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। बहुत ही सिंपल है, एक मोल में कितना होता है 6.023 × 10⁻³। तो 10 मोल में कितने होंगे 6.023 × 10⁴। तो 6.023 × 10⁴ या हम लिख सकते हैं 10 Na मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सिंपल है। तो अब कुछ आसान से सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल है 5 ग्राम N2O और 5 ग्राम NO, इसमें से किसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। देखो बहुत आसान है, जब कभी भी हमें मास दे रखा होता है हम जानते हैं कि मास को हमें मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, 5 ग्राम दे रखा है। अभी भूल जाओ 5 ग्राम, सबसे पहले ये याद रखो कि एक मोल N2O के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं। देखो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है इंटू 2 प्लस के, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, यानी कि कितने ग्राम हो गए 44 ग्राम्स हो गए। और इस तरफ हम लोग देखते हैं एक मोल NO के अंदर कितने ग्राम होते हैं। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 14 प्लस 16 बनता है हमारा 30। तो एक मोल में 30 ग्राम हो गए। अब सीधी सी बात है, एक ग्राम में कितने मोल हुए 1/44, एक ग्राम में कितने मोल हुए 1/30, गिवन कितना है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम 5/44, 5 ग्राम 5/30। देखो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है कम है। तो 5 ग्राम N2O के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, N2O के अंदर कम होंगे और NO के अंदर ज़्यादा होंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक मोल ऑफ CO2 और एक मोल ऑफ CO। देखिए ये तो और भी ज़्यादा आसान है, यहाँ आपको क्या कर रहा है 1 मोल CO2 में आपको पता है कितना होता है मास, सीधी सी बात है कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16, 16, 32, तो आपका कितना हो गया 44 ग्राम, करेक्ट। एक मोल CO का कितना होगा, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होगा 16, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। अब देख लीजिए साफ साफ दिख रहा है किसके अंदर ज़्यादा मास है, CO2 के अंदर ज़्यादा मास है, तो यहाँ मैं लिखूँगा CO2 में ज़्यादा मास है और CO में कम मास है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, 1 ग्राम ऑफ O2 और 1 ग्राम ऑफ Cl2 पूछ रहा है। Cl का होता है 35.5, ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है 1 ग्राम ऑफ O2 और 1 ग्राम ऑफ Cl2। अब देखिए 1 ग्राम ऑक्सीजन का निकालने के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा एक मोल से, तो एक मोल ऑक्सीजन कितने ग्राम होते हैं, एक मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम, 16 × 2 ग्राम, ठीक है। अब Cl2 का निकालना है, तो एक मोल Cl2 कितना होता है 35.5 होता है, तो फिर ये 35.5 × 2 यानी कि 71 ग्राम, करेक्ट। तो एक मोल ऑक्सीजन के अंदर 32 ग्राम होते हैं, एक मोल Cl2 के अंदर 71 ग्राम होते हैं, तो मैं यहाँ 1 ग्राम की कैलकुलेशन कर लूँगा। 1 ग्राम के अंदर कितना होता है 32 मोल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ 1 ग्राम के अंदर 1/71 मोल्स होते हैं, 1/71 मोल्स होते हैं। अब हमें पता है कि मोल को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मोल ही तो एक नंबर है और उस नंबर की वैल्यू क्या होती है Na होती है, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 1 ग्राम में हमारे कितने होंगे Na डिवाइडेड बाई 32, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके कितने होंगे Na डिवाइडेड बाई 71 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है 71 यहाँ बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू छोटी होगी, ये छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, तो हम लोग बोल देंगे कि ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे और Cl2 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में पूछा है
एक मोल ऑफ ऑक्सीजन और एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? तो सवाल करने जाएं, अरे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें दे रखा है एक मोल और एक मोल। हम जानते हैं कि एक मोल किसी भी चीज़ का ले लो, कुछ भी हो जाए वो, उसकी वैल्यू क्या होगी? 6.023 × 10²³। तो यहाँ भी एक मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लो, O3 ले लो या कुछ भी ले लो, उसकी वैल्यू कितनी होगी? Na ही होगी, यानी कि 6.023 × 10²³ होगी। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 6.023 × 10²³। तो यहाँ ना O2 ज़्यादा है ना CO2 ज़्यादा है, दोनों के ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हैं। अब ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, तो आप लोग भी इसे थोड़ा पॉज करके वीडियो को और अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर देखिए क्या गलती होती है। क्योंकि ये सवाल कर लिया तो समझिए कि मोल कंसेप्ट के लगभग सारे कंसेप्ट आपके क्लियर ही हो गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 196 ग्राम ऑफ H2SO4 बाई रिमूविंग ऑल ऑफ इट्स ऑक्सीजन एटम्स। आप लोग अभी इसे पॉज कीजिए और अपने एंड पे पहले कोशिश कीजिए, और नहीं होता है तो फिर ऑन कीजिए और फिर देखिए कि कैसे होता है। देखिए दे रखा है ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, ठीक है, बस हम इतना ही मान के चलते हैं। अब हम आ जाते हैं गिवन क्वांटिटीज पे। गिवन क्वांटिटी क्या है? 196 ग्राम H2SO4 दे रखा है। तो जब कभी भी हमें मास दे रखा होता था तो हम उसे किस में कन्वर्ट करते थे? मोल में कन्वर्ट करते थे। तो मास को हम सीधे मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो हम देख लें एक मोल H2SO4 में कितने ग्राम होते हैं। देखिए हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन के 16 × 4, ये आ जाता है हमारा 98 ग्राम। तो हमें पता चलता है एक मोल H2SO4 के अंदर कितने हैं? 98 ग्राम होते हैं। तो हमें गिवन कितने मोल हैं इसे हम निकाल सकते हैं। हमें दे रखा है 196 ग्राम, तो देखिए एक ग्राम में कितने मोल होंगे? 1/98। 196 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1/98 × 196 ग्राम इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 मोल्स। तो हमें गिवन है कि 2 मोल्स ऑफ हमें H2SO4 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए 2 मोल्स ऑफ H2SO4 में से ये पूछ रहा है कि कितने हमें ओजोन मिलेंगे। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो H2SO4 हमारे पास है और वाई रिमूविंग ऑल ऑफ इट्स ऑक्सीजन। तो देखो हमें गिवन है 2 मोल्स, ठीक है, 2 मोल्स गिवन है। अब 2 मोल्स के अंदर कितने ऑक्सीजन है? 2 मोल्स ऑफ H2SO4 के अंदर कितने ऑक्सीजन है? 1 मोल के अंदर कितने हैं? 4 है, तो 2 मोल में कितने होंगे? 8 होंगे। तो 2 मोल्स के अंदर कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमें O3 बनाने के लिए कितना चाहिए, पूरे के पूरे हमें कंज्यूम करना है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि 3 ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं 1 O3, करेक्ट। 1 ऑक्सीजन कितना करेगा? 1/3 O3, करेक्ट। तो 4, जो कि 4 थे ये, तो 4 ऑक्सीजन कितने करते? 4/3 O3। लेकिन हमारे पास गिवन कितने हैं? 8 मोल्स, हमारे पास गिवन है 8 मोल्स। तो फिर मैं यहां लिखूंगा कि 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यहां मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कर देता हूं, ऑक्सीजन कितने बनाएगा? सीधी सी बात है 8/3 मोल्स ऑफ O3। 8/3 मोल्स ऑफ O3 को अगर मेरे से पूछे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स बनाएगा तो मैं बहुत आसानी से बता दूंगा 8/3 मोल्स यानी कि Na, यानी कि 6.023 × 10²³ इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताएगा। ये बहुत अच्छा सवाल था ये,
और ये कर लिया और आपने कई और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो मोल कंसेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताऊंगा, तब आपके मोल से बने हुए कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद, जय गुरु भारत।